Guys, welcome back to my channel. और चलिए लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। राते और ना भाई राके ना खड़े हो जाते हैं ऐसे एक साइड पे करके, तो वहाँ पे ना जो ऐसे 15 मिनट्स गुजरते हैं, तो अब सब ना वेट कर रहे थे ना वो उसका ब्राइड के आने का। और जो मिस्टर और मिसेस जी होते वो भी आपस में ना विस्परिंग करना स्टार्ट हो गए थे कि अभी तक ब्राइड आए क्यों नहीं है। मीन्स जी मैंने कहा पूछ रहे थे कि क्यों नहीं आए, तो ना मिस्टर जियोन आते हैं और मिसेज मिन को कहते हैं, मिस्टर मिन को कहते हैं कि जीवन को जल्दी से बुलाइए, इतना ज़्यादा टाइम हो गया, क्या हो गया, कहाँ है। तो फिर ना जो मिसेज मिस्टर किम कहते हैं हाँ मैं बुला के ला रहा हूँ, ये बोल के ना वो मिसेज किम के पास आ जाते हैं। जो मिसेज किम थी वो तो जीवन के पास ही और वो यहाँ पे है, तो कहते हैं कि ना जीवन कहाँ पे है। तो फिर ना वहाँ ना नामचूल भी आ जाते हैं और जेन तो ऑलरेडी वहीं पर था, तो वो कहते हैं और जो तैयार था वो थोड़ा पीछे खड़ा था, लेकिन उनको ना उसको आवाज़ आई थी सारे अपने पेरेंट्स की, तो वो चुप करके बस सुन रहा था। तो मिसेस किन ना कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ अपने हस्बैंड की तरफ कुछ देर तक देखते हैं और फिर कहते हैं जीवन यहाँ नहीं है, जीवन जा चुका है। तो फिर कहते हैं व्हाट, क्या मतलब जा चुका है। तो ना मिस्टर किम और ना नामजुन दोनों शो कर देते हैं और फिर कहते हैं व्हाट, क्या मतलब जा चुका है। तो फिर ना वो कहते हैं कि वो अपने हस्बैंड के पास मीन्स युंगी के साथ जा चुका है, यहाँ से वो यहाँ पे अब नहीं करना चाहता था मैं, तो बस ही चला गया। तो फिर ना जो मिस्टर किम होते वो तो शौक होते हैं, उन लोगों को समझ नहीं आता वो सोच ही क्या। और जो युंगी और वहाँ ना नामजुन फर्स्ट शौक होते तो उसके बाद खुश हो जाता है, वो तो यही चाहता था कि ना जो यून में नए मीन्स हमारे वो तो इकट्ठे हो जाए, मीन्स जो उसकी रियल फ्रेंड है वहाँ वापस चले जाए। जिमिन वो चाहता था कि जिमिन हमेशा खुश रहे, क्योंकि उसको ना जंगकुक के साथ उसकी वो खुशी नजर आई थी। और जो तैंग ये सुनता है तो फिर ना जंगकुक की तरफ कुछ देर तक देखता है, फिर ना वहाँ पर ना मिसेस जियोन फैमिली जो सारी ना जियोन फैमिली भी आ जाती है, तो वो ना आपस में बात करने लगते हैं। वो ना जियोन फैमिली शौक हो जाती है, बट उस टाइम में ना एक प्रेस की ना एक ऊँची गूंज सी आवाज़ आती है, मीन्स होता है ना ऐसे जो आवाज़ ना काफ़ी ऊँची होती है, तो वो कहते हैं कि ना बाप और ना अपने ब्राइड को ना किस कर सकते हैं। तो सारे ये सुन के शौक हो जाते हैं और फ़ौरन पीछे मुड़ के देखते कि जिमें तो जा चुका, तो ब्राइड कहाँ से आ गए। तो सारे जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो सब शो हो जाते हैं, ऐसे जगह पर वो ना टैंग को किस करा था। तो ना वहाँ पे ना वो दोनों ना फिर किस ब्रेक करते हैं और फिर ना वहाँ सब ना तालियां बजाने लग जाते हैं। ऐसे जो मीडिया वगैरह थे उनको तो नहीं पता था कि ना जंगकुक की मैरिज उससे साफ होने वाली है, तो सारे समझते हैं कि ना टैंग से मैरिज होने वाली, तो सारे शो हो जाते हैं। और ना मीन्स जो मीडिया थी वो तो अपने काम कर रही थी, बाकी सारे ये जो फैमिली मेम्बर्स थे मिस्टर जियोन फैमिली और ना किम फैमिली, ये सारे शो कर रहे थे। और हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देख रहे हैं कि उनकी मैरिज कैसे हुई। तो जब तैंग ने ये सारी बातें सुनी थी तो कुछ बोलते नहीं, और फिर देखते कि किसी की भी नज़र था उस पर नहीं है, तो वो चुप करके ना मीन्स फैमिली मेम्बर्स मीन्स किसी की भी नज़र उस पर नहीं है, तो वो ना चुप करके ना स्टेज पर आता। जो स्टेज पर ना जैसे ही तैयंग आते तो सारे ना उसको देखने लग गए थे, जो मीडिया वगैरह थी तो सारे देख रहे थे। और जो ना तैयंग वो ना देख के जो चक् होते वो ना अजीब सा लुक बनाता, फिर कहते तुम यहाँ क्या करो, जिमिन गाए। तो फिर ना जो कहते कि जिमिन यहाँ से जा चुका है, मीन्स वो अपने हस्बैंड के पास जा चुका है, तो मैं अब तुम्हें कि तो अब बताओ क्या करना। तो मैं कह रहा हूँ वो जा चुका है, तो फिर मेरी मैरिज ही इसके साथ हो गई। तो ना जो तैयंग था उसका एक मिस्टीरियस सवाल करते हैं, कहते हैं कि यार तुम मुझसे मैरिज कर लो। तो जो जंगकुक होता है उसकी तरफ ना कुछ देर तक घूरता है और वो कहता है तुम आज हमारी वेडिंग नाइट होगी, क्या तुम अपने आप को क्या तुम मुझे झेल सकोगे। तो फिर ना जो तैयंग था कहते कि वेल इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, मैं कोशिश जरूर करूँगा तुम्हें झेलने का, ये बोलते हैं। फिर ना उसके कान में ना विस्पर करता, तो फिर ना देन जंगकुक बोलता है तो लेट्स गेट मैरिड, वो इस तरह बोलता है। बिकॉज वो ना अरेंज मैरिज थी, वो ना स्टार्टिंग में मैरिज के ना ऐसे ना ही खिलाफ था, ना ही वो करना चाहता था, मीन्स वो ना बस अपने फैमिली की बात सुन रहा था। और जब फर्स्ट टाइम ना टैंग से मिला था तो उसको भी ना अजीब सा फीलिंग हुआ था, बट वो जीवन के साथ उसके एंगेजमेंट हो गया तो उसने ना अपनी फीलिंग को सेट किया। बट अब जो टैंग उसको खुद ही प्रपोजल दे रहा था वो मान जाता है, और जो प्रेस्ट होते हैं उनके ना मैरिज कराना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो अनाउंस करते हैं किसका, तो वहाँ सारी फैमिली शौक हो जाती है। और फिर ना वहाँ ना दोनों किस करते हैं ना नीचे स्टेज से आ जाते हैं, और वो ना सारी फैमिली को शौक से देख देख के
बट ना जो मिसेज की होती है वो स्माइल करना स्टार्ट कर देती है। एज उनको ना जो था वो खुश दिखे रहा अभी जंग भी ना अच्छा बिकॉज उन्होंने देखा था जकू बहुत ज़्यादा अच्छा है इसलिए तो उन्होंने ना जकू को जिमिन के लिए चूज़ किया था। बट अब जो जिमिन है वो तो जा चुका अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर ना अगर वो देखते कि उनके ना तेहन के साथ मैच हो गया तो फिर ना उसको कोई मसला नहीं होता, वो इस्तेमाल कर रहे होते। तो फिर ना जो जियोन फैमिली होती है वो फर्स्ट तो इसके खिलाफ होती है बट वो मान जाती है, उनको भी कोई मसला ज़्यादा नहीं होता है। एज जो मीडिया थी उन मीडिया थी उनमें ना उनकी इज्जत भी बची है और उनको भी तेहन ना अच्छा लगा था। उन्होंने बिहेवियर देखा था तेहन का वो बहुत ज़्यादा अच्छा, और फिर ना वो देखती कि ना उनका बेटा भी खुश है तो फिर वो भी ना उनको कोई मसला नहीं था। और फिर यहाँ से ना हमारे टेक ओवर मैच चल जाते हैं मेरे न्यू मैच के लिए। और गाइस और अब हम देखते गए ना हमारे ना हाँ यून मिन हो का सीन जहाँ पे ना वो तीनों कार में बैठे होते हैं और जो जिमिन होता है वो ना बस चुप करके बैठा होता है पीछे वाली सीट पे और जीते हैं जो तीनों बिल्कुल साइलेंट थे कार में। और फिर ना उसके पास वो एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा ना प्लेस होता है वहाँ थे जिससे उन्होंने ना बीच को ना रेडी किया हुआ था। तो यूंगी ना जिमिन को वहाँ लेके आए थे और वो ना दोनों आते हैं और वहाँ पे ना जिमिन को हाथ पकड़ के ना ऐसे सोफ्ट कार से निकालते हैं। जिमिन तो बस चुप होता है, वहाँ पे ना उसको लेके आते हैं वहाँ ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फील करके ना वहाँ पूरा ना ऐसे बीच रेडी किया हुआ था। वहाँ ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइट्स लगी थी, टेबल्स लगी थी, क्यूट सा ना ऐसे डेकोरेटेड हुआ हुआ ना बेड भी था। तो वहाँ पर ना जो जिमिन होता है वो ना उनकी तरफ ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं कि मतलब ये दोनों कहाँ गए, तो देखते हैं वो दोनों ना अपनी नीज पे बैठे होते हैं और ना दोनों के हाथ में रिंग थे। और फिर ना विल यू मैरी मी वो ये दोनों बोलते हैं एज जो उनकी इंगेजमेंट है। तो जो वो थी जो मैरिज थी वो तो टूट चुके थे ना, मीन्स डिवोर्स हो चुके थे। तो योगी इसलिए दोबारा मैरिज हो गए थे और जो जब तक वो भी इस दफा बोलते कि मैं भी तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। तो ये सुन के ना जो जिमिन स्माइल करता है और फिर ना यस बोल देता है और फिर ना उसके हस्बैंड यस से तो वो दोनों उसको रील्स बना के ना फिर दोनों ने पैशनेटली ना उसको वन बाय वन किस करते हुए ये वाला इफेक्ट ना यहाँ पे एंड होता है। और गाइस मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसका ना वो चाहिए एक का ना क्या होता है स्पेशल एपिसोड। तो उसमें ना टेको का मैं आपको ना रोमांस दिखाऊंगी और फिर ना इनका करके रोमांस और फिर ना आगे का इनका लाइफ सारा दिखाऊंगी। तो आप मुझे ज़रूर बताएगा, एक वन शॉट छोटा सा एपिसोड होगा, मुझे ज़रूर बताएगा। और आपको ये एफ एफ कैसे लगा मुझे ये भी ज़रूर बताएगा। और टाटा बाय बाय।